Hi guys, how are you? Welcome back. And thank you very much for appreciating my work. आप लोग का जो appreciation है ना, it gives me immense amount of energy to work for you guys. And it gives me immense amount of, you know, happiness that I am able to help you out. ठीक है ना? तो ये video क्या है? This video is all about free course. फ्री कोर्स फॉर वॉट? फ्री कोर्स फॉर 32nd बिहार जुडिशियल सिविल जज एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2022. यू नो दैट फॉर श्योर इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2022 एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, इनफैक्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 ये एग्जाम हो जाएगा. इफ नॉट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, यू can certainly expect this examination in this beginning of the second quarter. ठीक है ना? तो आपको gear up तो हो ही जाना है, आपको preparation तो start कर ही देनी है, right? तो what I am going to do is, this is a free course that I am launching from today. ठीक है? Free course for 32nd Bihar जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज, ठीक है, एग्जामिनेशन. दिस विल बी इंटायरली फ्री कोर्स. वी डू हैव पेड कोर्सेज एज वेल, ठीक है ना? हमारे पास पेड कोर्सेज भी हैं एंड पेड कोर्सेज हैव देयर ओन रेलेवेंस, ठीक है? So if you subscribe to the paid courses, you'll be having a holistic preparation. ठीक है ना? Holistic preparation. Paid courses के बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं. तो basically जो आज का video है, मैं आपको scheme of the course के बारे में बात करने वाला हूँ कि हमारा scheme क्या होगा. ठीक है, सो एंटायर सिलेबस हम कवर करेंगे. एंटायर सिलेबस कहने का मतलब यह है कि मैं ए टू जेड वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा कि मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुछ भी हो उसको पढ़ा दिया. नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे. उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, कहाँ पे फ्रिक्वेंट होते हैं एग्जामिनेशन में. विल बी एनालाइजिंग दोस टॉपिक्स, एनालाइज करके हम सेलेक्ट करेंगे कुछ टॉपिक्स को एंड देन विल बी डिस्कसिंग दोस टॉपिक्स. एंड सर्टनली हर सब्जेक्ट से, इफ यू सी, हर सब्जेक्ट से अगर हम 10 से 15 टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे तो हमारा मेंस के लिए कवर हो जाएगा, 100% मेंस के लिए कवर हो जाएगा. पीटी के लिए क्या करना है? पीटी के लिए आपको टॉपिक्स के साथ साथ एमसीक्यूज सॉल्व करते रहना है और एमसीक्यू आप सॉल्व करते रहेंगे तो पीटी के लिए भी तैयारी हो जाएगी. पीटी के लिए मैंने वैसे एक वीडियो बनाया है जो कि होलिस्टिक प्रिपरेशन की बात करता है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है ना? स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एक वीडियो होगा मेरे ही चैनल पे, रिसेंट का वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है? इनफैक्ट इस वीडियो से पहले से पहला, यानी सेकेंड लास्ट फ्रॉम दिस वीडियो. तो होगा क्या कि देखिए, जैसा कि आपको पता है इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या होता है कि पहले तो कंपलसरी पेपर है, ठीक है? कंपलसरी पेपर में आपका प्रोसीजर प्लस एविडेंस पूछा जाता है, ठीक है ना? उसके बाद ऑप्शनल पेपर्स हैं. तो ऑप्शनल पेपर में 5 ऑप्शंस हैं, आपको पता है, ठीक है ना? एक तो आपका कॉन्स्टी हो गया प्लस एडमिन हो गया,
दूसरा हो जाता है टॉट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तीसरा फैमिली, जिसमें हिंदू मुस्लिम आता है। चौथा आपका टीपीए, ट्रस्ट इक्विटी और SRA, स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है। और पांचवा हो जाता है कमर्शियल लॉ। और कमर्शियल में क्या क्या आता है? कमर्शियल में आ जाएगा आपका सोगा, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद आपका NIA, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड फोर्थ वन इज कंपनी लॉ, ठीक है। ये कमर्शियल लॉज। तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी स्टार्टिंग विद द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फर्स्ट, बिकॉज ऑफ कोर्स इनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है ना। इनका वेटेज एज कंपेयर टू, और एक स्मार्ट अप्रोच हमारा बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए यही कहता है कि आपको ऑप्शनल पे पहले कमांड कर लेना है, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू फॉर PT एज वेल, ठीक है ना। कि आप देखेंगे कि PT में जो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PT में, उसमें से अराउंड 120 क्वेश्चन जो है ना वो ऑप्शनल से ही होते हैं। इफ यू सी मोर देन, इनफैक्ट कम से कम, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 120 क्वेश्चन ऑप्शनल से होते हैं। सो स्ट्रेटेजी यही कहता है कि आप सबसे पहले ऑप्शनल पेपर्स को कमांड कर लें। ऑप्शनल में कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉट कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली दैट इज हिंदू मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम। उसके बाद आपका TP हो जाता है, ट्रस्ट इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ, एंड देन द कमर्शियल लॉ विच कंसिस्ट ऑफ सोगा, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, NIA, कंपनी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो इसके बाद जो वीडियोस हैं, ठीक है, सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मान लो कि सब्जेक्ट मैं कोई भी चूज कर लू, सपोज मैंने चूज कर लिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा का सारा मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा। पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा। एक दो वीडियोस, शायद मैंने एक वीडियो बनाया भी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर, कंडीशंस एंड वारंटीज वाला। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यू नो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से 10 ऐसे टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स, जो कि जिसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 5+5 में, और 5 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इनको इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डील कर लेंगे, एंड देन विल बी डिस्कसिंग दी सॉरी सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डील कर लेंगे, एंड देन विल बी डिस्कसिंग दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन है 5+5 वाला। उसके बाद कंपनी लॉ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद NIA डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो देखिए, सबसे पहले तो ये भी है कि हम चूज क्या करेंगे। जैसे कि मैं एडवाइस करता हूँ कि आप स्कोरिंग सब्जेक्ट लें, जैसे कि टॉट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इट माइट अपियर टू बी टेम्पटिंग, बट ये बहुत स्कोरिंग नहीं है, ये स्कोरिंग नहीं है। सिमिलरली आपका हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, मैं मेरे लिए मतलब इट आई नेवर फील लाइक यू नो गोइंग फॉर दीज सब्जेक्ट्स। रैदर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप एक कॉन्स्टी ले लो, कॉन्स्टी एडमिन वाला जो कॉम्बो है वो ले लो, दूसरा आप कमर्शियल वाला ले लो, ठीक है, और तीसरा आप TPA वाला जो कॉम्बो है उसको ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा एंडेवर यही रहेगा कि मैं इन सब्जेक्ट्स को, मतलब ऐसा नहीं है, आई विल बी कवरिंग ऑल दी 5 ऑप्शंस एंड दी कंपल्सरी पेपर एज वेल, बट सबसे पहले एंडेवर रहेगा कि मैं इनको कवर कर लूँ, ये जो 3 है। सो लेट मी स्टार्ट विद दी
कमर्शियल फर्स्ट, कमर्शियल से स्टार्ट करते हैं, देन आई कम टू जैसा जैसा मतलब होगा सुटेबल होगा मेरे लिए और आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, वैसे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी कि भाई फ्री कोर्स हम इस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, तो करना क्या है आपको? अच्छा, मेरा स्कीम क्या होगा, कोई भी टॉपिक जो होगा ना उसको मैं कैसे डिस्कस करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस ईयर से मैं देखूंगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का डायमेंशन क्या है, यानी किस हद तक एक पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, एंड उसके एनालिसिस पे क्या करूंगा मैं, इसके एनालिसिस पे मैं मेक लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स विद इन अ टॉपिक एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग दोज सब टॉपिक्स। सो व्हाट आई एम एग्जैक्टली गोइंग टू डू, देयर विल बी टॉपिक जिसका एनालिसिस करूंगा, देयर विल बी सब टॉपिक्स, ठीक है ना, सब टॉपिक्स 1, 2, 3 एंड विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस। तो इस तरीके से क्या होगा, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे ही एक टॉपिक हो जाता है, जैसे ही एक ये टॉपिक हो गया, तो व्हाट शुड यू डू, यू टू शुड हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बैंक होना चाहिए आपके पास, जैसे कि आप जैसे ही आपने कर लिया, सो you go and examine whether are you able to answer the questions that has been asked or not, be it PT or mains, ठीक है। तो सबसे पहले आप mains के questions को deal करें कि mains के सारे questions आप solve कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। If you are able to solve the questions of mains, then you should be pretty confident for the PT as well, and then you go and pick up the question bank for PT and you solve the MCQs. Now while solving the previous year question papers for mains as well as PT, what shall be your approach? You should try to make notes मेंस की, जब आप पढ़, मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू दी इन क्यूए फॉर्म फॉर्मेट, ठीक है ना। मेंस का जब आप कर रहे हैं तो आप जो नोट्स बनाएंगे मेंस के लिए, जब आप मेंस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उसके बाद आप टॉपिक्स को यू नो नोट डाउन कर रहे हैं, नोट मेकिंग कर रहे हैं, नोट मेकिंग तो मस्ट है, तो वो आप क्यूए फॉर्म में करिए। और बेस्ट ये रहेगा कि आप मेंस के क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको 5 तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू राइट देम डाउन हियर, क्वेश्चन को लिख दिया एंड देन यू राइट द आंसर फॉर दैट। सिमिलरली सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, यू राइट इट डाउन हियर एंड देन यू फॉलो दैट विद द आंसर। एक बार ये कर लिया, मेंस का पूरा पूरा हो गया, देन यू कम टू द पीटी पार्ट। और टॉपिक के लिए आप क्या करेंगे, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एक बुक है सिंगल पब्लिकेशन की, ठीक है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट दिखाता हूं, देखिए ये जो है ना बुक, ये मेंस की बुक है, इफ यू आर एबल टू सी, ठीक है ना, ये मेंस की बुक है और इसी तरीके से पीटी की बुक्स हैं। करेंगे क्या आप जो पीटी का जो बुक है, आप जैसे कि मान लो कि आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है, आप कैवियट एम्पटर कर रहे हैं, तो आप जाइए जो पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको निकालिए और उसमें जितने भी क्वेश्चंस कैवियट एम्पटर से आए हुए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर वो अलग अलग उन्होंने क्या किया है कि चैप्टर वाइज में भी सेक्शन वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया और सारे क्वेश्चंस को एक बार कंपाइल कर दिया, बहुत ब्यूटीफुली कंपाइल्ड है। यू मस्ट हैव दैट बुक, यू नो सिंगल का तो बुक होना ही होना चाहिए एक सीरियस कैंडिडेट के पास,
सिंगल पब्लिकेशन का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नहीं, इफ यू आर एबल टू सेग्रीगेट बाय योरसेल्फ देन इट इज वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर एनी पर्टिकुलर पब्लिकेशन, बट आई हैव बीन फॉलोइंग सिंगल एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड, बिकॉज इट हैज मेड द प्रिपरेशन वेरी इजी बाय यू नो सेग्रीगेटिंग द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड विद इन सब्जेक्ट दे हैव सेग्रीगेटेड द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है, तो बहुत ही आसान कर देता है आपकी यू नो स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन को। तो आप क्या करेंगे, मेंस का क्वेश्चन लिख लिया आपने, तो पीटी के जब आप लिखे पीटी के सॉल्व करेंगे, पीटी में यू विल बी फाइंडिंग सम क्वेश्चंस व्हिच आर न्यू एंड व्हिच यू डिड नॉट स्टडी, तो यू नोट दैट डाउन। तो आपका जो नोट मेंस के लिए बना था ना, उसी में एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करेंगे आप यहाँ पे सबहेड डाल देंगे नोट और ब्रैकेट में लिख देंगे पीटी एमसीक्यूज, और आप उसको वन लाइनर के फॉर्म में आप लिख देंगे कि ये केस इससे डील कर रहा है, ये केस इससे डील कर रहा है, केसेस मिल जाएंगे आपको पीटी के क्वेश्चंस। तो आपको फाइनली होगा क्या कि इस तरीके से आपके पास जो नोट होगा ना एक एक पर्टिकुलर टॉपिक का, वो एक हॉलिस्टिक नोट्स होगा, और फिर फर्दर उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको किसी बुक की या किसी एमसीक्यू के बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ उसी अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट्स को पढ़ेंगे और आपका वो टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाएगा। एंड वन टाइम नोट मेकिंग, एक बार आपने नोट मेक तो एटलीस्ट 5 times रिप्रोड्यूसिंग द सेम थिंग, उसको 5 बार कम से कम आपको लिखना है भाई। रीडिंग वॉन्ट हेल्प यू मच, सो आई वुड सिंसियरली सजेस्ट यू टू राइट एंड राइट। जितना आप लिखेंगे उतना कमांड होता चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो फ्री कोर्स फॉर 32nd बिहार जुडिशियल सिविल जज एग्जाम, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके फ्री कोर्स की बात, अब भाई बात कर लेते हैं पेड कोर्स की, ठीक है, पेड कोर्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, पेड कोर्स में आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, ठीक है, प्लस नोट्स, प्लस टेस्ट सीरीज, दोनों किसका, पीटी एज वेल एज मेंस का, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको पेड कोर्स, ठीक है ना। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पेड कोर्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 8588057086, दिस इज माई कॉलिंग नंबर, एंड यू प्लीज कॉल मी बिटवीन 3 PM to 6 PM। प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट you call me between 3 PM to 6 PM। so paid course में क्या क्या मिल जाएगा आपको, question paper analysis मिल जाएगा PT और mains दोनों का, उसके बाद आपको handwritten notes मिलेगा, holistic notes, and उस notes के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, topic wise notes मिलता रहेगा, ठीक है। then you get a test series for PT as well as mains, इसमें से आप अलग अलग चीजें लिख सकते हैं और एक कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे टू रिक्वेस्ट, इफ यू थिंक यू कैन डोनेट प्लीज डोनेट, ठीक है। दूसरी बात, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोनेशन यू कैन मेक ऑन द सेम नंबर दैट इज 8588057086 on Google Pay
या फिर यूपीआई की मैं बात करूँ तो GEORGIAN3700@OKSBI, ये मेरा यूपीआई एड्रेस है। कहीं पे भी आप इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्टडिंग, लग जाओ, एग्जाम नजदीक है, आने वाला है, मेंस का 31 का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और वैकेंसी आने के बाद 2 महीने भी नहीं होंगे आपके पीटी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।